उभरते पंजाबी गायक रोहित बोहरा द्वारा अपनी फेसबुक पेज पर मां चामुंडा के लिए इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि रोहित बोहरा पहले भी इस प्रकार की कई अभद्र टिप्पणियां कर चुके हैं, ऐसे में उसे जल्द गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। पालमपुर थाना के तहत धर्मशाला के साथ लगते योल कंटोनमेंट एरिया से रोहित बोहरा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मामला ये है कि रोहित बोहरा ने अपनी फेसबुक अकाउंट पर मां चामुंडा को अभद्र गालियां लिखी है, जिन्हें जनता के समक्ष नहीं किया जा सकता। रोहित बोहरा एक उभरते हुए पंजाबी सिंगर है और पूरे प्रदेश में वे अपने प्रोग्राम करते रहते हैं। इस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौच लिखना और उसे पब्लिक करना अपने आप में अपराध है। रोहित बोहरा की इस हरकत से विश्व हिंदू परिषद के लोग और आम जनता में रोष उत्पन्न हो गया है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने रोहित बोहरा को शाम 5 बजे तक गिरफ्तार कर कार्यवाही की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों का कहना है कि व्यक्ति पहले भी इस प्रकार की कई अभद्र टिप्पणियां कर चुका है, ऐसे में उसे जल्द गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने को लेकर कार्यवाही होनी चाहिए। रोहित बोहरा के विषय में जो आप बता रहे हैं वो वैसे भी निहायती बदतमीज सब व्यक्ति है और जागरण वगैरह करता है, लेकिन उसकी जो ये हमने ये पढ़ा बहुत दुखी हुआ मन, लेकिन इसके विषय में कुछ न कुछ हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वो पहले भी बहुत बदतमीजी वाली बातें पहले भी कर चुका है व्यक्तिगत तरीके से, जिस किसी के साथ भी ऐसी गंदी और बेहूदी बातें करता रहता है। तो ज़रूर हमें मिलजुल कर ये कदम उठाना चाहिए, पुलिस में शिकायत करनी चाहिए, ताकि दोबारा वो ऐसा या कोई भी ऐसा व्यक्तित्व हमारे देवी देवताओं के प्रति ऐसी कोई हीन भावना ना रखे। गत रात मेरे को पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से कि रोहित बोहरा करके एक लड़का है जिसने सोशल मीडिया में मां चामुंडा को के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। जैसे मेरे को इस पोस्ट के बारे में पता चला करीबन उस समय 7:30 बजे का समय था, तो कुछ विभिन्न विभिन्न जगहों से मेरे को फ़ोन कॉल्स आई कि इस लड़के के खिलाफ कोई एक्शन किया जाए। जैसे कि मेरे पास पोस्ट पहुंचती है तो मैंने उसको देखा कि उसने मां चामुंडा को बहुत ही अभद्र रूप से गाली गलौज करके उसने पोस्ट किया हुआ था। इसके लिए फिर हम सभी युवा और विश्व हिंदू परिषद के कुछ लड़के, बजरंग दल के कुछ लड़के, हम इकट्ठे होकर आज सुबह पुलिस स्टेशन पालमपुर में SHO के माध्यम से ये एप्लीकेशन और FIR करके अभी आए हैं। तो हमने हमारी इसमें यही डिमांड है कि जल्द से जल्द 5:30 बजे से करीब इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन किया जाए। इस संबंध में कांगड़ा पुलिस अधीक्षक संतोष पटियाल ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और DSP पालमपुर मामले की छानबीन कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक संतोष पटियाल ने कहा कि IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निर्भजीत निप्पी की रिपोर्ट।